हाय फ्रेंड्स, सरस्वती क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं बीके सर आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर। हालांकि यह टॉपिक मैंने आधा पढ़ा दिया है और आधा बचा हुआ है, तो टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल था उसका मतलब ये था कि ए और एन जो थे वह इनडेफिनिट आर्टिकल थे, और उसके बाद जो द होता है वह डेफिनिट आर्टिकल होता है। आखिर में इसका नाम इनडेफिनिट और डेफिनिट क्यों पड़ा? नाम से ही हम इसकी विशेषता समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी वस्तु, अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है, ऐसा नाउन या संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसके पहले आप देखेंगे कि अक्सर हम जो है इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। एक है कि 10, 20, 50, 100 कितना है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब हम आर्टिकल द की बात करते हैं तो द का प्रयोग उसी नाउन के पहले किया जाता है जो बिल्कुल क्या हो, निश्चित हो। यानी बिना किसी निश्चित चीज के हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए पढ़ते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं सारे नियमों को निचोड़ करके सिर्फ एक नियम मैं इसमें बता रहा हूं, इसे आप ट्रिक कहिए या रूल कहिए। देखिए, जब भी कोई भी नाउन एकदम विशेष हो जाएगा हम लोगों के लिए वाक्य में, तो उसे हम क्या करेंगे, उसके पहले हमको डेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यानी अभी मैं बताऊंगा, आप देखिएगा, हर जगह जिसका भी वर्णन होगा वो विशेष होगा, और अगर विशेष है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए, पहला अगर रूल की हम बात कर रहे हैं, अगर रूल नंबर वन, और विशेष में अगर मान लीजिए कोई भी चीज विशेष है, वह विशेष व्यक्ति हो या क्या हो, वस्तु हो, अगर कोई भी चीज है तो इसके पहले हम जो है क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। जैसे देखिए, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द बॉय यू सी इज माय सन। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, दो वाक्य हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। जैसे लिखा है द बुक, इस बुक यानी बुक है नाउन, और नाउन के पहले द है, इसका मतलब ये बुक स्पेशल है, विशेष है। कैसे है जरा देखिए, द बुक यानी किताब जिसे यू वांट, आप चाहते हैं, इज माने है आउट ऑफ प्रिंट, प्रिंट से बाहर, यानी अभी वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो आप जरा देखिए कि आउट ऑफ प्रिंट जो है कौन है, यह किताब है। यानी यह किताब क्या है, यहाँ स्पेशल बुक के रूप में हम उसकी बात कर रहे हैं जो अभी छपा नहीं है। तो ये कौन है, ये बुक है। दूसरा देखिए, द बॉय यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह लड़का जिसे यू सी तुमने देखा, कह रहा है इज माई सन, मेरा पुत्र है। यानी अब यहाँ जरा आप पूछिए, ये पुत्र कौन है, यानी पुत्र कौन है, तो उसका लड़का जो बॉय है वही जो है किसी का पुत्र है। यानी हम इसको सर्टेन कर दे रहे हैं, निश्चित कर दे रहे हैं। तो आपको बताऊं, जितनी भी विशेष चीजें होती हैं वो निश्चित होती हैं, और इसी बेस पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल चलता है। जहां भी विशेष की बात,
बात आएगी वो निश्चित हो जाएगा, और जितना चीज निश्चित है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरी चीज पर हम आ जाते हैं कि दूसरा चीज जो है क्या होता है, जो निश्चित होता है और वो क्या होता है, स्पेशल होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा अगर मान लीजिए हम कहें पर्वत, नदी, महासागर, द्वीप आदि जो चीजें हैं, ये आदि जो चीजें हैं वो क्या है, निश्चित है और निश्चित के साथ साथ विशेष है। दो ही चीज पे आप फोकस करिएगा, आप आराम से समझ जाएंगे। पहला क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज विशेष है, और अगर वह विशेष है तो वह निश्चित है। जैसे आगे देखिए, अगर पर्वत का नाम हम लिख लें तो लिखेंगे द हिमालयाज। अगर नदी का हम लिख दें तो द गंगा। महासागर का भी नाम लिखेंगे तो अगर द पैसिफिक ओशन। इसी तरह द्वीप का नाम लिखेंगे तब भी जो है हम द फ्रांस करके कर सकते, सॉरी फ्रांस नहीं, मान लीजिए द एशिया। इस तरह से द्वीपों का भी नाम हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो हम इसी पर बार बार आपको फोकस करना चाहेंगे कि जब कोई चीज विशेष होगा तो वह निश्चित होगा, यानी डेफिनिट होगा, और इसी पे हम क्या करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले चीज पे कि अगला और कौन चीज होता है कि जिसमें हम जो है यूज करते हैं द का। जैसे देखिए कुछ ऐसे प्राकृतिक, ये भी चीज तो प्राकृतिक था ही और ये भी चीज प्राकृतिक है, कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं, कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो क्या है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, इसलिए वो क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे हम पहले लिखते हैं द सन। अगर हम सन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य क्या है, एक है। फिर हम अगर लिखते हैं द मून, मून भी क्या है, अकेले ही है। हम लिख दें द स्काई, आकाश भी अकेले ही है। यानी यह ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो स्वयं में क्या है, अकेले हैं, और इसीलिए हम ऐसे वस्तुओं के पहले जो है द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अब देखिए कुछ जो है कुछ जो प्रांत होते हैं, प्रांत ठीक है, देश हैं, उनके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रांत में ध्यान रखिएगा, भारत में दो ऐसे प्रांत हैं जिनके आगे द लगता है, द पंजाब और द हरियाणा, ये दो होते हैं। बाकी किसी भी प्रदेश के पहले द नहीं लगता है। तो हम प्रांत की अगर बात करें तो द पंजाब, द पंजाब, द हरियाणा ऐसे करेंगे। और देश की बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि द इंडिया, द पाकिस्तान, नहीं, जो भी समूह में एक साथ है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका द यूएसए, द ग्रेट ब्रिटेन। इस तरह से हम जब देखते हैं कि अगर देशों का कोई समूह है और उसका नाम जब हम लेते हैं तो उसके पहले क्या हो जाता है, द हो जाता है। चलिए कुछ रूल और आते हैं, कुछ ऐसे जहाज होते हैं,
जहाज होते हैं, वायुयान होते हैं, जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ जहाज हो गए, ठीक है। अब जहाज पानी के भी जहाज हो सकते हैं, उड़ने वाले भी जहाज हो सकते हैं, और वायुयान तो ऊपर ही उड़ता है, इसको हम पानी का जहाज नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे चीजों के पहले भी क्या लगता है, आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम द विक्ट्री लिख दें, एक जहाज का नाम है द विक्ट्री, तो इस विक्ट्री के पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी अगर जहाज है या वायुयान है, उसके पहले मान लीजिए एक ट्रेन भी कह सकते हैं, जैसे कोई ट्रेन है, जैसे द अवध एक्सप्रेस। जैसे आप देखेंगे द अवध एक्सप्रेस यानी एक ट्रेन का नाम है, इसके पहले हमने क्या लगा दिया है, द लगा दिया है। इस तरह से हम देखेंगे कि अभी पांच रूल हुआ, और भी रूल हैं। कुछ देखिए समाचार पत्र होते हैं, कुछ समाचार पत्र होते हैं। अब जरा सोचिए ध्यान से कि समाचार पत्र जो होगा वह भी विशेष होगा कि नहीं होगा। निश्चित रूप से होगा विशेष, और वह निश्चित होगा। जैसे समाचार पत्र में की बात हम करें तो जैसे कह सकते हैं द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, चाहे आप कह सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या है, समाचार पत्रों के नाम है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। चलिए एक चीज और आते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं, जो वाक्य में आने के बाद, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स होते हैं और वो किस में होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं, और वह अपने जाति के, पूरे जाति का बोध करते हैं, उसे हम, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख सकते हैं ऐसे, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। एक उदाहरण और देख लीजिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब जरा यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, यह जो काऊ है और यह जो डॉग है, आप काऊ और डॉग की अगर बात करते हैं तो दोनों क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ अगर हम इसके पहले द लगा दिए हैं, क्यों लगाए हैं, इसलिए कि यह जो काऊ है पूरे विश्व के काऊ जाति का बोध करता है, क्योंकि कह रहा है कि गाय एक लाभदायक जानवर है। तो कोई एक गाय तो है नहीं, या दस गाय तो है नहीं, या केवल भारत की गाय थोड़ी ना है, यानी पूरे विश्व की एक एक गाय की बात कर रहा है कि गाय क्या है, एक यूजफुल एनिमल है। इसी तरह जो यह डॉग है, कुत्ता, यह जो कुत्ता है वह भी क्या होता है, वफादार होता है, और यह जो डॉग है, यह सारे डॉग की बात कर रहा है, न कि किसी एक डॉग की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से कभी भी कोई भी कॉमन नाउन, ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉमन नाउन
अगर वाक्य में आता है और उससे पूरे जाति का, उसके पूरे जाति का अगर बोध हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसके पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। चलिए आते हैं और अगले रूल पे देखते हैं अगला रूल क्या होता है। अब देखिए अगले रूल के कुछ ऐसे कुछ, तो मैं आपको बताऊं, अभी मैंने कॉमन नाउन की बात कर रहा था, कुछ ऐसे जो है प्रॉपर नाउन होते हैं, जब नाउन की बात आई है तो दोनों रूल को एक ही पास कर देना समझदारी है। जैसे कॉमन नाउन की बात यहाँ आई थी तो यहाँ प्रॉपर नाउन की बात हम कर लेते हैं एक ही साथ, ताकि भूलेगा नहीं। तो मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा प्रॉपर नाउन है जो कभी 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 जो है कॉमन नाउन की भांति यूज हो, कॉमन नाउन अगर कॉमन नाउन की भांति प्रयोग होता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जरा इसमें ध्यान से देखिएगा, कालिदास जो है ये भी नाउन है प्रॉपर नाउन, और शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन जरा लिखा है द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसके पहले द क्यों हम लगाए हैं, क्योंकि अब जो कालिदास है ये प्रॉपर नाउन है और यह जो है किनके समान है, शेक्सपियर के समान इनकी तुलना की गई है, यानी पूरे भारत में एक प्रकार से यह कॉमन नाउन की बात कर रहा है कि जिसको हम शेक्सपियर कह देंगे इसका मतलब यह होगा कि वह व्यक्ति बहुत ही विद्वान है। यहाँ शेक्सपियर नाम नहीं बल्कि यहाँ गुण काम कर रहा है, इनकी विशेषता काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले रूल पे। कुछ देखिए धार्मिक पुस्तक है, जरा आप ध्यान से सोचिएगा, जितना चीज कहा जा रहा है, जितना चीज कहा जा रहा है ये सारी चीजें क्या है, विशेष है, यूनिक है और निश्चित है। तो कुछ ऐसे धार्मिक पुस्तक भी होते हैं जिनके पहले हम द लगाते हैं, और लगभग जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, या मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के हों, सारों के पहले, सभी के पहले द लगता है। जैसे हम क्या कहेंगे, द रामायण, द रामायण लिख दिया, ठीक है, द महाभारत हो गया, इसी तरह से महाभारत में नहीं लिख रहा हूं, द बाइबल हो गया, ठीक है, द गीता हो गया, यानी जितने भी किताब आप देखेंगे, जैसे मुस्लिम इस्लाम धर्म में होता है द कुरान हो गया, ये जितने भी किताब होते हैं ये धार्मिक किताबें हैं और इनके पहले हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं निश्चित रूप से। यानी आप सोचिए क्या धार्मिक किताबें जो है यूनिक नहीं होती, स्पेशल है कि नहीं है, बिल्कुल है, स्पेशल है और क्या है, निश्चित है, डेफिनेट है, इसीलिए हम इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले रूल पे। अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दिशा से आ रहा है तो हम उस दिशा के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति हो या वस्तु हो
किसी दिशा से आ रहा है, यानी उस तरह हम दिशा का अगर यूज करते हैं तो उसके पहले हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति किसी विशेष दिशा से, जैसे राम पश्चिम से आया, तो वहां क्या लगाएंगे? द वेस्ट लगाएंगे। जैसे माई फ्रेंड केम फ्रॉम द ईस्ट। जरा यहां ध्यान से देखिएगा कि माई फ्रेंड, मेरा मित्र, केम माने आया, फ्रॉम द ईस्ट यानी पूर्व की ओर से। तो जैसे ही जब ये निश्चित, ये दिशा क्या हो गया, निश्चित हो गया कि कोई आ रहा है, किधर से आ रहा है, तो पूरब की तरफ से, तो हम वहां क्या लगा देंगे, आर्टिकल द का यूज कर देंगे। इस तरह से और भी एकाध रूल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने एक ही चीज बार बार फोकस किया है, वो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कोई स्पेशल या विशेष चीज आएगा और वो जब भी विशेष होगा तो वह निश्चित हो जाएगा, और ऐसे चीजों के पहले हमको आर्टिकल द का यूज करना है। यहाँ एक नियम और होता है, धार्मिक पुस्तकों पे के बाद आता है सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले। सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए जब आप एडजेक्टिव में जाते हैं तो उसमें जो है डिग्रीज हो जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब हम बहुत सारे वस्तुओं की तुलना किसी एक वस्तु से करते हैं, वही हम किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे कहा जाए कि कक्षा में राम सबसे लंबा है, तो कह सकते हैं कि राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, चाहे टालेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो द टालेस्ट यानी जैसे ही ई एस टी जोड़ के हम क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, वैसे ही जैसे मान लीजिए ही इज द बेस्ट बॉय। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट, यह जो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके हम तुरंत पहले क्या लगा दिए हैं, द लगा दिए हैं। एक उदाहरण की तरफ और चलते हैं। जैसे लिखा जाए कि राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, द टालेस्ट यानी जितने कक्षा में बच्चे हैं उनकी सारे बच्चों की तुलना किससे की जा रही है, राम से, और राम क्या है, उन सारे बच्चों में सबसे लंबा है। इसलिए यह जो टालेस्ट शब्द है उसके पहले हम आर्टिकल क्या किए हैं, द का यूज कर दिए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं, देखिए हम जब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जिक्र कर रहे थे, मुझे वही ये रूल बता देना चाहिए था, ताकि आप लोगों को जो है मतलब एक साथ रूल पढ़ने में बहुत मजा आता है, यानी भूलता नहीं है। जैसे सोचेंगे अच्छा कॉमन नाउन से संबंधित ये नियम है, प्रॉपर नाउन से संबंधित ये है, तो उसको एक पास कर लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो, जैसे कोई प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हो गए, प्रॉपर नाउन है, और अगर मान लीजिए उनके पहले कोई एडजेक्टिव लग जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिए द इमॉर्टल, इमॉर्टल गांधी। अगला द ग्रेट
महाराणा प्रताप। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, द इमॉर्टल गांधी, गांधी में यहां ध्यान रखिए आई, द इमॉर्टल गांधी, यानी गांधी क्या है प्रॉपर नाउन है और उसके पहले यह इमॉर्टल क्या है एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हम द लगा दिए। इसी तरह से महाराणा प्रताप क्या है प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले अगर ग्रेट अगर क्या है एडजेक्टिव है तो हम उसके पहले क्या लगा दिए हैं द का प्रयोग कर दिए हैं। चलिए आते हैं अगले रूल के तरफ से कि जब एडजेक्टिव के बाद, जब एडजेक्टिव के लिखा है बाद नाउन न हो। अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि यानी जब एडजेक्टिव आता है वो नाउन के पहले आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव होगा लेकिन नाउन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जानते हैं कब होता है ये कि जब उस हम एडजेक्टिव को ही क्या करते हैं कॉमन नाउन मान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह दिए द रिच, रिच जो शब्द है यह एडजेक्टिव है और हम लिख दिए द रिच यानी धनी व्यक्ति, यानी सारे धनी व्यक्तियों की बात यहां हो जाएगी। जैसे हम लिखे द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहां भी ध्यान से देखिए और यहां से भी ध्यान से देखिए, कह रहा कि द रिच, यहां जो द रिच आया है यह किसी नाउन की विशेषता यहां नहीं बता रहा है, बल्कि यह द रिच है वो कि जितने भी क्या धनी लोग हैं उनकी बात कर रहा है कि सभी धनी लोगों को शुड हेल्प मदद करना चाहिए द पुअर माने गरीबों की। अब ये द पुअर, ये पुअर क्या है एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले हम जैसे ही द लगा दिए तो ये क्या हो गया गरीब व्यक्ति हो गया, और गरीब व्यक्ति सारे गरीब व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कॉमन नाउन कहेंगे। चलते हैं अगले रूल पे, तो मेरे फ्रेंड्स अगले रूल के तरफ आते हैं। मैं उसके पहले एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए जितने भी ये नियम मैं बता रहा हूं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग 8-10 नियम को पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा पूरा 18 नियम पढ़ा रहा हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि निश्चित रूप से हमेशा मैं यही कहूंगा जहां जब विशेष चीज की बात आएगी वह विशेष होगा तो वह क्या हो जाएगा डेफिनेट हो जाएगा। अब अगला रूल ये होता है कि मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए फ्रांस है, इंडिया है, अगर ऐसे देश हैं और वहां के देश के लोगों को अगर हमको लिखना हो, वहां के देशवासियों का अगर वर्णन करना हो, तो हम उसके पहले क्या करते हैं द लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिए द फ्रेंच, द इंडियन, द पाकिस्तानी, द पाकिस्तानी, इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है यह द फ्रेंच का जो मतलब है ये नहीं कि ये फ्रांस देश नहीं है, यानी द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी लोग, द इंडियन का मतलब भारतीय लोग। अब आप जरा सोचें कि जैसे ही हम यहां द लगा दे रहे हैं तुरंत यह जो है प्रॉपर नाउन से क्या हो जा रहा है बदल जा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी देशवासियों को अगर हमें दिखना है तो उस देश के नाम के पहले द लगाते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि सीधे जैसे लिख देंगे द इंडिया तो भारतीय लोग हो जाएंगे, नहीं, कभी कभी चेंज भी होता है, जैसे द इंडियन, द पाकिस्तानी, द फ्रेंच,
द रशियन, इस तरह से होता है। अगला रूल, दो शब्द ऐसे होते हैं आल और बोथ। आल और बोथ दोनों शब्दों के तुरंत बाद जो है हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखेंगे आल द बॉयज, दूसरा हो गया बोथ द फ्रेंड्स। जरा ध्यान से देखिए, आल है ये और यहाँ नाउन है। अगर कभी भी आल या बोथ के साथ कोई भी नाउन का हम जिक्र करेंगे तो उन दोनों के बाद यानी आल और बोथ के तुरंत बाद जो है आर्टिकल द का यूज हम अवश्य करते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इसको दो बार, तीन बार, चार बार अगर आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तभी यहाँ रुकेगा, नहीं तो भूल जाएगा। और ये भी ध्यान रखते हैं कि जितने नियम एक जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो व्यक्ति या जो वस्तु बिल्कुल क्या हो, निश्चित हो, सर्टेन हो, उसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उससे संबंधित मैंने बताया, देखिए स्पेशल के रूप में नदी, पहाड़, झरना, देश, ये सब क्या हैं, विशेष हैं। इसी तरह से मैंने समाचार पत्रों की बात कही, जहाजों वगैरह की बात कही, जो प्रकृति में जो भी एक चीज है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सारे लोगों के साथ किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सारे लोग क्या है, विशेष हैं और यूनिक हैं। इसीलिए हम उसके पहले क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अंतिम रूल के तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला जो रूल है, यहां जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से पहले जो है हम किसका यूज करते हैं, द। आप खुद सोचिए जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो स्पेशल है कि नहीं है, बिल्कुल स्पेशल है ना। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम बात कर रहे हैं, द फर्स्ट FIRST, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसका मतलब क्या है, ये जो द फर्स्ट वर्ल्ड वार है यह एक ऐतिहासिक घटना है। मान लीजिए फ्रांस की क्रांति थी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, और फ्रांसीसी क्रांति के पहले भी हम क्या लगाए, द, यानी द फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, चाहे द फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, द सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। इस तरह से जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो क्या है, स्पेशल है, विशेष है, इसलिए जो है हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अंतिम जो रूल है, 18वां समझौता होना चाहिए, मैं एक भी रूल भूला नहीं हूँ, तो आपको मैं बताऊं, सर नेम के पहले जो है हम क्या प्रयोग करते हैं, आर्टिकल। अब सर नेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कब करते हैं, यही ध्यान देना होता है। तो उस समय हम करते हैं जब उसके पूरे जाति का बोध, जैसे मान लीजिए हम कह दिए द शर्माज यानी शर्मा लोग, द सिंह यानी सभी सिंह लोग, द पठान्स सारे पठान लोग। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण लिख रहे हैं, द पठान्स वेंट टू आगरा, इसका मतलब जरा ध्यान से देखिए, ये पठान क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ प्लूरल नंबर में लिखने के बाद यहाँ मैं लिखा हूं द पठान्स, इसका मतलब है पठान लोग, यानी सारे लोगों का बोध हो गया, वेंट टू आगरा, आगरा गए थे। तो इस तरह से मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को लगभग 17 या 18 रूल बताया हूं। केवल एक ही चीज दिमाग में रखिएगा,
पढ़ने का यह तरीका होता है कि जितनी चीजें एक जैसी होती हैं उनको हम एक पास कर लेते हैं, और जैसे ही वस्तु विषय वस्तु बदले, मतलब कोशिश करिए कि एक जैसे विषय वस्तु को एक साथ हम क्या करें, रखें। तो इस तरह से मैं आज आर्टिकल का टॉपिक, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक या दो नंबर का अवश्य आता है, आज मैंने समाप्त कर दिया। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, साथ ही आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, कुछ कमेंट्स करिए, हमारी कमियां ही चाहे कमेंट्स करिए, लेकिन करिए ताकि हम लोगों को उत्साह वर्धन मिले, चाहे हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने मतलब कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। इसी के साथ मैं बीके सर एक बार और आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद।